हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है चॉकलेट केक विद ओवरलोडेड चॉकलेट। इससे पहले मैंने कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा केक का डेकोरेशन शेयर नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा भी कुछ केक डेकोरेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप भी ईजिली ऐसा कुछ डेकोरेशन बना पाओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक का जो बेस है उसको मैंने अच्छे से बना लिया है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी की मदद से केक का जो बेस है उनको मैं सोक कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो नॉर्मल शुगर सिरप की मदद से भी आप स्पॉन्ज को सोक कर सकते हो। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्रीम के साथ गनाच यूज़ किया है। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप या फिर कोकोआ पाउडर भी आप डाल सकते हो, आपको जो पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करूँगी। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर कुछ और काम करते हो या फिर स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आपके पास दिन में 2-4 घंटे का टाइम है तो आप केक बेकिंग का काम शुरू कर सकते हो, केक सेल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप घर बैठे एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो। आप यूट्यूब से ही बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स पा जाओगे केक कैसे बेक कर सकते हैं, कैसे डेकोरेशन करते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं और कैसा रेंज रखना चाहिए, कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स आपको इजीली यूट्यूब से ही मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम के साथ वैनिला एसेंस यूज़ किया है। आप चाहे तो ना भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं जब भी केक कोई चॉकलेट केक बनाऊँ और कलरफुल कुछ डेकोरेशन है तो मैं वैनिला एसेंस ही यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक स्क्रैपर के मदद से अच्छे से केक को स्क्रैप कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्क्रैप करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी सी शार्पनेस आ पाए। और मुझसे जितना हो सका मैं केक को उतना क्लीन करने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट का गनाच बना लिया है, उनकी मदद से मैं वाटर ड्रॉपिंग बना रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये केक का डेकोरेशन। तो इस केक का फ्लेवर था चॉकलेट केक विथ ओवरलोडेड चॉकलेट, और इसका वेट करीबन 1 पाउंड का कस्टमर ने बोला था बनाने के लिए, लेकिन जब भी आप केक के ऊपर चॉकलेट्स वगैरह ऐड करोगे तो केक का जो वेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका प्राइस मैंने 700 लिया है, आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर गनाच को अच्छी तरीके से केक के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा, जितना आपसे हो सके उतना आपको ज़रूर करना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैलेट नाइफ के मदद से कुछ राउंड राउंड सा डिजाइन बना रही हूँ। ये जो डिजाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग को वी शेप में कट करके कुछ ऐसा डिजाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो कुछ नोजल भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो डिजाइन है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर चॉकलेट्स बना लिया है। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट यूज किया है, आप चाहे तो मिल्क या फिर व्हाइट कंपाउंड भी आप यूज कर सकते हो। और चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियोज पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। और ये जो चॉकलेट्स है इसका जो शेप है वो अच्छे से आपको देना पड़ेगा, तभी जो आपका चॉकलेट्स का लुक है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगेगा। तो चॉकलेट्स अच्छे तरीके से सेट हो जाने के बाद एक कैंची के मदद से आपको कुछ ऐसा एक शेप लाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर गोल्डन डस्ट ले लिया है, आप चाहे तो सिल्वर डस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक ब्रश के मदद से मैं चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ चॉकलेट्स के, ताकि जो चॉकलेट्स का लुक है वो और भी ज़्यादा एनहेंस लगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये जो गोल्डन डस्ट है ये एडिबल होता है, आप खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये चॉकलेट्स अच्छी तरीके से सेट हो जाने के बाद ही आपको गोल्डन डस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी बिस्किट्स या फिर चॉकलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो ओरियो बिस्किट्स हैं इनके ऊपर भी मैं गोल्डन डस्ट अच्छे तरीके से स्प्रेड करूँगी ताकि और भी ज़्यादा लुक खूबसूरत लगे। और इस केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था करीबन 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद ही मैं चॉकलेट्स को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने किटकैट्स चॉकलेट यूज़ किया है, मेरा होममेड चॉकलेट भी यूज़ किया है, मैंने ओरियो बिस्किट्स भी यूज़ किया है और भी बहुत कुछ यूज़ किया है। मेरे पास जो भी ऐसा कुछ अवेलेबल था, जैसा कि कस्टमर ने बोला था वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश किया है। और कुछ चॉकलेट्स मैं साइड पर भी लगाऊंगी ताकि लुक जो है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगे। और यहाँ पर मैंने जेम्स चॉकलेट यूज़ किया है, चॉको शॉट्स यूज़ किया है, मेरे पास कुछ स्प्रिंकल था वो भी मैंने यूज़ किया है।
और इस वीडियो को मैंने कहीं पर भी स्किप नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपने टाइम वेस्ट करके मेरे वीडियोस देख रहे हो कुछ सीखने के लिए, तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना, थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, आपको तो सिखाना है ना मुझे, तो इसीलिए मैंने कहीं पर भी स्किप नहीं किया है। और आपके पास जो भी स्प्रिंकल है वो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना हो। तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है। आप देख सकते हो केक का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।